तो बेटा आफ्टर वेक्टर्स यहां पे मैं आपके साथ रियलिटी मोशन डिस्कस करना चाहूंगा। रिलेटिव मोशन, हम लोग रियलिटी मोशन इन 1D से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, पहले 1D में करते हैं। 1D का मतलब क्या होता है? बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पे जा रही होगी। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मालूम है क्या होता है बेटा। ओके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबको क्लियर है ये चीज बेटा? यस सर। ओके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, जिसके विद रिस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हो। लेट्स सी, ये मेरा ओ पॉइंट है, ये अर्थ के ऊपर फिक्स्ड है बेटा। ठीक है बेटा, अर्थ के ऊपर फिक्स्ड है ये ओ पॉइंट। मेरे पास लेट्स से एक कार है ए, एक कार है बी, इसके अंदर पर फर्स्ट ऑब्जर्वर बैठा हुआ, बी के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्वर बैठा हुआ बेटा। ओके, अब क्या हुआ, ये गाड़ी आपकी वी ए वेलोसिटी से चल रही है बेटा। ओके, चलती गई चलती गई चलती गई, आफ्टर सर्टेन टाइम ये आपको यहां पे मिलेगी। ओके, तो एक ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर वन अर्थ के ऊपर है लेट्स सी, ऑब्जर्वर टू जो है कार ए के अंदर है बेटा, और ऑब्जर्वर थ्री जो है वो कार बी के अंदर है। तो यहां से ये कार चली और यहां पहुंच गई, और इस केस में आपकी वी जो है ये रेस्ट पे है, जीरो वेलोसिटी रेस्ट पे है ये। तो अभी देखिए, बी के नजरिए से देख लो, ए के नजरिए से देख लो, दोनों के नजरिए से गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा बेटा। ओके, सो इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू ओ दैट इज ऑब्जर्वर वन एंड बी दैट इज ऑब्जर्वर सिटिंग इन कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना बेटा, एक्स इक्वल्स टू ई इनटू टी। तो इन दोनों को वही चीज नजर आ रही है जो ओ वाले, सॉरी बी को वही चीज नजर आ रही है जो ओ को नजर आ रही है, मतलब इन दोनों को में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर बेटा सेकंड केस बना लूं अभी मैं, सेकंड केस इसमें क्या हुआ है बेटा, ये ऑब्जर्वर ओ पहले की तरह वहां पे अर्थ के ऊपर फिक्स है बेटा, ये अर्थ है आपकी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अभी ये दोनों चल रहे हैं बेटा, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और मैं मान लेता हूं कि जो वी है वो बड़ा है बीबी से, मतलब ये ए वाला जो है ये ज्यादा तेज चल रहा है। अभी क्या होगा बेटा, टी टाइम बाद पिक्चर क्या होगी फिर से, तो आपका ए यहां पे पहुंच गया बेटा, ये टी टाइम बाद पिक्चर है। ओके, टी टाइम बाद ए यहां पहुंच गया बेटा आपका, पहले भी यही पहुंचा था अभी यही पहुंचा है, बी यहां कहीं पहुंच गया बेटा, क्योंकि बी धीरे चल रहा है तो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, अर्थ के विद रिस्पेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए ने, फिर से एक्स ही ट्रेवल किया है वी ए इंटू टी बेटा, इसे एक्स ए लिख देता हूं मैं। अभी अगर बी की बात करोगे, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स बी That will be equals to vb into time t। बेटा दोनों के लिए टाइम तो एक साथ चला, एक ही स्टॉप पास से टाइम नजर कर रहे हैं ये दोनों। ओके, यहाँ पे वेलोसिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि टाइम रिलेटिविटी आ जाए, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन रिलेटिविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेटा vb into t आ गया, वेलोसिटी वेलोसिटी vb था into टाइम करके ये डिस्टेंस कवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बी का। अब मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूं बेटा, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे इस वक्त आप अर्थ के ऊपर बैठे हो, क्या आप महसूस कर रहे हो कि आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है? नहीं, क्योंकि आपके आसपास जितनी सराउंडिंग में चीजें हैं वो भी सेम आपके साथ चल रही है, इसीलिए आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट रेस्ट नजर आ रहा है, तो आप कभी महसूस नहीं कर पाओगे कि अर्थ आपकी घूम रही है। तो उसी तरह से बी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये बी वाली कार चल रही है। तो बी जब ए को देखेगा तो
तो वो क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि भाई ए तो सिर्फ इतना सा ही आगे गया है मेरे से। इस वक्त ये दोनों टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। आफ्टर टी टाइम क्या हुआ है, ए जो है बी से आगे निकल गया है। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा भाई तू राइट की तरफ गया है और तू सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ही आगे बढ़ा है। ओके, तो यहां पे अब रिलेटिविटी आ जाएगी बेटा। तो जब स्टडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो रहा हो ना बेटा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए दैट इज वी ए इनटू टी आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट इज एक्स बी एक्स वी बी इनटू टी आ जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट अब विद रिस्पेक्ट टू बी देखिए बेटा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं यहां पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा बेटा, दैट इज इसे एक्स ए बी नाम लिखता हूं मैं, नाम नेमिंग मैं ऐसे करूंगा। ए बी का मतलब है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए का मतलब है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो बेटा देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं एक्स ए में से एक्स बी माइनस कर दूं तो मेरे पास ये गैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये गैप, क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। ओके, सो ये बन गया बेटा मेरे पास एक्स ए माइनस एक्स बी, और बी के लिए राइट की तरफ गया, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया है, और यहां से ये पॉजिटिव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए ये। ओके, तभी मैंने एक्स ए को बड़ा लिखा माइनस एक्स बी लिखा है बेटा। ओके, तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो बेटा। ओके, तो इसकी अगर वैल्यूज डालोगे तो वी ए माइनस वी बी और टी कॉमन आके बाहर आ जाएगा बेटा। सो एक्स ए बी क्या आ गया है, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। समझ आ गई ये बात बेटा सबको, तो यहाँ पे ये क्या है फिर, वी ए माइनस वी बी क्या है बेटा, इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे वी ए बी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, इसका मतलब क्या आ गया है, यहाँ पे वी ए बी क्या है बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी, जो कि है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके बेटा, इस केस में क्या हुआ है, जो ये वी ए है, वी ए जो है ये वेलोसिटी ऑफ कार ए है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड, और जो वी बी है वो बी गाड़ी का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड। ओके, अभी मुझे बी के नजरिए से अगर देखना है कि ए की स्पीड कितनी है, अब बी ऐसा क्यों बोल रहा है, बी क्यों बोल रहा है कि भाई तेरी वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी है, तेरी वेलोसिटी वी ए नहीं है, ये दोनों डिफरेंस क्यों आ गए, क्योंकि जब v ने डिस्टेंस कंपेयर किया फाइनली आफ्टर t टाइम, तो v को लगा कि इसने सिर्फ ये डिस्टेंस x से माइनस x b ही ट्रैवल किया है, वेयर एज ग्राउंड के नजरिए से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है x a। सो अब आप मोशन इज अ रिलेटिव टर्म एंड आप कहां से देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप o से नजर डालोगे तो इसकी वेलोसिटी va है और इसने डिस्टेंस x a ट्रैवल किया है, अब b के नजरिए से देखोगे तो इसने डिस्टेंस x से माइनस x भी ट्रेवल किया है और इसकी वेलोसिटी v a माइनस v b होगी बेटा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, अगर आपका उल्टा हो जाता बेटा कुछ इस तरह से कि मैं v b को बड़ा मान लेता v a से, तो क्या होता बेटा, ये पॉइंट o है, ये पॉइंट a है, ये b है आपके पास, अभी ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, ये वी बी वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, आफ्टर टी टाइम क्या हुआ, यहां पहुंच गया ये ए, और बी अब इससे आगे निकल जाएगा क्योंकि अब वी बी बड़ा है बेटा। ओके, सो वी बी अब पहले वी ए से बड़ा है तो वी बी आगे बड़ा चला जाएगा, आगे चला जाएगा बेटा। ओके, सो यहां पे टी टाइम में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स ए विल बी इक्वल्स टू वी ए इंटू टी, और ये एक्स बी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स बी हो जाएगा वी बी इंटू टी हो जाएगा बेटा। सो बी के नजरिए से क्या है, बी के नजरिए से एक्स पीछे को चला गया, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, ए जो है बी के लिए वो लेफ्ट की तरफ पीछे हो गया है उसकी, ये थोड़ी सोचेगा मेरी स्पीड ज्यादा, मैं इससे आगे निकल गया, बोलेगा ये पीछे को चला गया, मैं तो वहीं पे खड़ा हूं जहां पे पहले खड़ा था,
ओके सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्स ए बी क्या हो जाएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू अब एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बड़ा है कि नहीं है ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा बेटा ये एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा और इसके आगे मैं एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या हुआ है ये टुवर्ड लेफ्ट क्या है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस ओके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो पहले मैं डिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहा था अभी आपको मैं धीरे धीरे डायरेक्शन की बात भी बता रहा हूँ ओके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो इसीलिए हम लोग डायरेक्शन को भी बता देंगे साथ में नेगेटिव सो अभी देखो बेटा इसे क्या लिख सकते हो फिर से वी बी माइनस वी ए इंटू क्या हो जाएगा बेटा टी सो ये फैक्टर क्या है आपका ये चीज क्या है आपकी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए समझ आ गई बेटा बात ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए बी के नजरिए से ए की वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट है ओके अदरवाइज आप ग्राउंड के नजरिए से देखोगे तो ए की वेलोसिटी क्या है बेटा टुवर्ड राइट है लेकिन बी के नजरिए से देखोगे तो ये सोचेगा उसकी वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन को तभी वो मेरे से पीछे को गया है तभी वो मेरे से लेफ्ट को गया है क्योंकि उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ थी तो आप देख सकते हो बेटा कि दोनों के नजरिए से ओ के और बी के नजरिए से वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है यहाँ पे कि ओ वाला बोलेगा वो राइट की तरफ है बी वाला बोलेगा उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है क्योंकि वो पीछे रह गया था बेटा ओके याद रख लो तो बेटा ये चीजें समझ आ गई है Yes, okay, तो रियलिटी मोशन क्यों कंसीडर होता है इस वजह से कंसीडर होता है बेटा अभी मैं आपको जैसे देखो बेटा कभी भी अगर आप ट्रेन में बैठो टू पैरेलल ट्रेन्स ऑन अ ट्रैक देखो बेटा टू ट्रेन्स ऑन पैरेलल ट्रैक दो ट्रेन है बेटा जो कि पैरेलल ट्रैक पे है कुछ इस तरह से अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रेन में जाना तो ये चीज समझना बेटा आप ए यहां पे बैठे हो बी यहां पे बैठे हो अब बेटा आपने ना ग्राउंड की तरफ नहीं देखना आप बी हो मैं ए हूं आपने ग्राउंड की तरफ नहीं देखना आपने डायरेक्टली मेरे को देखना है तो अगर मैं इधर जाता हुआ नजर आ रहा हूं आपको तो आप क्या बोलोगे कि भाई ए वाले की ट्रेन जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है अगर मैं इधर जाता नजर आया तो आप बोलोगे ट्रेन जो है राइट की तरफ मूव हो रही है और इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने बेटा ग्राउंड की तरफ देखना है फर्स्ट स्टेप ये करना है सेकंड स्टेप ग्राउंड की तरफ देखना है बेटा अब क्या होगा कि ऐसा सिनेरियो होगा कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जब ग्राउंड की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई मेरी ट्रेन ही इधर जा रही है राइट की तरफ जा रही है इसीलिए मुझे ए पीछे को जाता नजर आ रहा है क्योंकि इनिशियली आप ए को ही देख रहे थे आप ए को कंपेयर कर रहे थे अपने साथ लेकिन अभी जब आपने ग्राउंड की तरफ देखना स्टार्ट किया तो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ग्राउंड के साथ तो आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट इधर जा रहे हो ओके दैट्स व्हाई ए जो है वो पीछे को जाता हुआ नजर आ रहा है बेटा अगर ये एग्जाम्पल समझ आई दैट्स गुड अगर नहीं समझ आई ये वाली चीज तो आप डेली भी कर सकते हो स्कूल वैन में जाते हो कार में जा रहे हो आप बैक सीट पे बैठे हो ठीक है कार आपकी आगे को जा रही है ये आपका रोड है बेटा और आप यहां पे बैठे हो बी आप एक टाइम के लिए इन ट्रीज वगैरह को इग्नोर कर देना ट्रीज और एवरीथिंग इन द सराउंडिंग इनको आपने क्या करना है बेटा एक टाइम के लिए सराउंडिंग को इग्नोर कर देना आपने जस्ट रोड को देखना है आपने सिर्फ कहां पे देख रहा है बेटा रोड की तरफ देखना है कहां पे देख रहा है रोड की तरफ देख रहा है तो आप क्या महसूस करोगे जब आपने बहुत ध्यान लगा लिया आप देखोगे आपको यह नहीं महसूस होगा कि आपकी गाड़ी चल रही है आपको ऐसे लगेगा जैसे रोड पीछे को भाग रहा है ओके तो ये क्या हो रहा है ये रिलेटिविटी है एक तरह से तो जब आप बी इस वैन के अंदर बैठे हो आपको नहीं पता चल रहा आपकी वैन चल रही है कि नहीं चल रही आपको कैसे पता चलेगा आपकी वैन चल रही है कि नहीं चल रही जब आप इसकी तरफ देखोगे इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो गाड़ी है वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट किस मोशन में है लेकिन जब तक आप रोड को देखोगे या किसी और गाड़ी को ही देखते रहोगे तब तक नहीं आप कुछ महसूस कर सकते ओके बेटा यहां से आप उल्टा भी देख सकते हो क्या ऑब्वियस बात है रोड जो है बेटा वो अर्थ के ऊपर है तो आप यहां से आइडिया लगा लेते हो कि रोड पीछे को जा रहा है तो मेरी गाड़ी आगे को भाग रही है यहां पर आइडिया लग जाता है बट अगर आप अपना दिमाग इस स्टेट में ले जाओ कि आपको ये महसूस करवा लो अपने आपको कि मेरी वैन नहीं चल रही तो आप ऐसा महसूस करने लग जाओगे कि रोड पीछे को भाग रहा है
पुरानी मूवीज में ऐसा ही होता था बेटा, अगर उन्होंने जैसे शिमला में जाके शूटिंग कर लिया तो वो शिमला में नहीं जाते थे, वो क्या करते थे ऐसे बैकग्राउंड में एक पिक्चर चला देते थे, जैसे पहाड़ बना देते थे, एक पेंटिंग बना देते थे पहाड़ की, इसके आगे एक बाइसाइकिल खड़ा कर देते थे, ठीक है, एक साइकिल खड़ा कर दिया, लेट से यहाँ पे ये साइकिल खड़ा कर दिया, तो अभी क्या साइकिल वहीं पे खड़ा है, वो इस मूवी को इस पिक्चर को ऐसे भगाने लग जाते थे, तो ऐसे लगता था बाइक इस तरफ भाग रहा है आपका, ओके, तो वो जरूरी नहीं था बाइक को चलाते थे वो बेटा, ओके, वो पीछे एक स्लाइडर लगाते थे जिसमें वो सीनरी को क्या है बेटा इस तरफ भगाने लग जाते थे, जब सीनरी इस तरफ भागेगी दौड़ेगी तो उन्हें ऐसे लगेगा जैसे आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये चल रही है, आप क्या सोचोगे ये बाइसाइकिल इस तरफ चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, तो ये सब रिलेटिविटी की वजह से हो रहा है बेटा, आप किसके रिस्पेक्ट, लेकिन अगर आप स्टूडियो में जाके ये शूटिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई बाइक तो वहीं पे खड़ा हुआ है, आपका सिर्फ ये चल रहा है। ऑब्वियस बात है इस पिक्चर में उन्होंने बाइक के टायर्स को कभी भी ग्राउंड के साथ नहीं दिखाएंगे, वो यहां से फ्रेम देंगे, इतना सा ही दिखाएंगे आपको, आपके बाइसाइकिल का अपर पार्ट और ये पीछे की सीनरी दिखाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यहां से जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं आपको ये पूरा फ्रेम दिखा दिया तो आपको ये ग्राउंड दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये बाइसाइकिल ग्राउंड के ऊपर तो रुका हुआ है। तो बेटा रियलिटिविटी में क्या है कि आपको ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो मोशन में है कि नहीं है, तो जब आपको मालूम नहीं रहता कि वो मोशन में है कि नहीं है तब आप क्या महसूस करते हो, आप ऐसे ही सोचते हो कि जो ये गाड़ी है ये चल के पीछे चली गई है, मैं नहीं इससे आगे गया बेटा, ओके, तो रियलिटी मोशन में ऐसे ही सोचना है, जो ऑब्जर्वर है उसे नहीं पता चल रहा है कि उसका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, ओके, तो अब रियलिटी मोशन में ये तो इसका बेसिक्स था बेटा, अब आप कैसे वेलोसिटीज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हो, रियलिटी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको सीधा ही एक लिखवा देता हूं बेटा, ये आपका 1D में भी चल जाएगा 2D में भी चल जाएगा, जिस मर्जी डी में चला लो इसे, ओके, अब देखिए बेटा हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जैसे आप ऐसा बोलो ये अर्थ है और ये मेरा ट्रेन है बेटा, ओके, और ये है पार्टिकल पी और बॉडी बी, बॉडी ए बी पी कुछ भी ले लो, चलो ये ले लेते हैं, आपने ए बॉडी को स्टडी करना है, अकेटा आपने विद रिस्पेक्ट टू एस स्टडी करना है, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश स्टडी करना है बेटा, तो कैसे स्टडी करेंगे, तो देखो अभी आप वेक्टर्स कर चुके हो, सबसे पहले देखो बेटा ये ओ डैश पॉइंट है, ये ओ है, तो ओ ओ डैश जो है बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, ओके, द पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही एक वेक्टर यहां से सीधा इसको ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा इस पॉइंट को ना यहां बना लेते हैं डायग्राम क्लियर बनाने के लिए, तो ये मेरा एक वेक्टर बन गया बेटा ये वाला ओ ए, सो ओ ए वेक्टर क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एस, और ऐसे ही एक पॉइंट ये बना लेते हैं बेटा, वेक्टर ये बना लेते हैं ओ डैश ए, ओ डैश ए क्या है यहां पे, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, ये बेटा डेरिवेशन है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझ लो कि जो फॉर्मूला है वो कैसे बना है, इतना सा समझना है आपने, ओके, ये ओ डैश पॉइंट है, तो बेटा ट्रायंगल बन गया, ये तीन वेक्टर है, तीन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ओ ओ डैश ओ ए O डैश, ये तीन वेक्टर्स हैं बेटा, अभी आप अगर देखोगे बेटा O डैश O O डैश प्लस O डैश A, ये दोनों वेक्टर्स का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम O A के इक्वल होगा बेटा, ट्रायंगल लॉ याद है, अकेटा ये दो साइड्स है जो ट्रायंगल की साइड्स को कंटिन्यूटी में रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ओ ओ डैश क्या है, पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं एक बार, आर एस डैश एस, पोजीशन ऑफ एस डैश एस प्लस इसे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस डैश,
विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओ ए डे। ओ ए का मतलब क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। सो ये वेक्टर्स फॉर्म में है, तो अब इसे बेटा ये सब कुछ नहीं समझ आया, इसको ऐसे याद रखना है, आर ए एस इज इक्वल टू आर ए एस डैश प्लस आर एस डैश ई, ओ सॉरी एस डैश एस। तो ए ए को एस डैश फिर एस डैश एस, तो इनके बीच में यहां पे इनके बीच में क्या कर देना है बेटा, आपने एस डैश डाल देना है एक तरह से, ऐसे याद रख सकते हो। ये तो मैंने सीधा बता दिया बेटा याद कैसे रखना है आपने, अदरवाइज आपकी ये डेरिवेशन यहां से बनती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इनको आगे पीछे कर सकते हो। तो मतलब कहने का ये है बेटा सिंपल लैंग्वेज में कि पहले ए को एस डैश के विद रिस्पेक्ट स्टडी किया, फिर एस डैश को एस के विद रिस्पेक्ट स्टडी किया, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एस के विद रिस्पेक्ट स्टडी हो जाएगा बेटा आपका। ओके सो यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू टाइम के विद रिस्पेक्ट, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया बेटा, तो इधर आ जाएगा ए एस डैश प्लस एस डैश एस, कुछ इस तरह से। तो बेटा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या था, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश एस। देखिए बेटा ये भी सेम सेंस में लिखा हुआ मैंने, ए एस एस डैश एस डैश एस, और ऐसे ही एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा। ओके तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी आपको क्लियर है ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए ए एस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए एस डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश एस। तो बेटा ये तीनों रिजल्ट्स इस तरह से बनते हैं, इन तीनों रिजल्ट से सारा रिलेटिव मोशन आपका स्टडी हो जाता है बेटा। ओके तो यहां पे क्या होता है बेटा कि यहां पे हम लोग, यहां पे वापस आ जाइए, मैं एक ए बॉडी को स्टडी कर रहा हूं इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज योर एस एंड सेकेंड वन इज योर एस डैश। ओके मेनली जो एस है इसे आप अर्थ मान लो, और एस डैश कोई भी आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आप ये तीनों रिजल्ट्स याद रखो यहां पे, इन तीनों रिजल्ट्स से बेटा आप लोग कोई भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन कर सकते हो, 1D का हो 2D का हो। ओके बस ये दो चीजें याद रख लो बेटा, तीन चीजें याद रख लो। अब आपसे रिलेटिविटी किसकी पूछी है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्वेश्चन बेटा। ओके अभी देखिए बेटा, अगर आपका 1D में, 1D में ही है सिर्फ, अगर सिर्फ 1D में ही हो रहा है काम तो क्या होगा बेटा, ये मेरी ए बॉडी है जो वीए वेलोसिटी से चल रही है बेटा, ये मेरी है बी बॉडी जो वीबी वेलोसिटी से चल रही है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं, वही रिजल्ट अब मैं अपने इस कंसेप्ट से निकाल के दिखाऊंगा आपको जो पहले कर चुके हैं। तो देखिए बेटा यहां पे 1D में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है बेटा, ये पॉइंट ओ है। तो वीए वीबी जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड दे रखा है हमें बेटा। ओके So, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू बी। लिख सकता हूं ऐसे मैं, ए बी था तो बीच में ओ डाल दिया, क्योंकि ओ दोनों के लिए क्या है बेटा, कॉमन है एक तरह से। ओके मतलब क्या है, मैं ए की स्टडी ओ के साथ कर लूं, जहां बी की ओ के साथ, और इनको कंबाइन करके ए की बी के साथ स्टडी हो जाएगी बेटा मेरे पास। ओके सो वी ए बी will be equals to what, VAO, तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, VA वेक्टर लिख सकते हो प्लस, अब इसे क्या लिख सकते हो, देखिए बेटा अगर आपका B जो है वो टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है, अगर B जो है वो टुवर्ड सॉरी वो टुवर्ड राइट जा रहा है, तो B के नजरिए से O किस तरफ जा रहा है, O टुवर्ड लेफ्ट जा रहा होगा, तो इसीलिए VBO जो वेलोसिटी होगी वो VB होगा,
और जो वी ओ बी होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा बी ओ का। क्यों? क्योंकि बेटा इसको अगर ये राइट ओ के लिए अगर ये राइट जा रहा है तो बी के लिए ओ टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है। अभी मैंने ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया था गाड़ी वाले एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वी बी आ जाएगा। सो ये क्या हो गया, वी ए वैक्टर में से माइनस कर दोगे वी बी वैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जा इसी को ही देख लो बेटा, इसका वेक्टर सम कैसे होता था याद होगा आपको, दैट इज इक्वल्स टू। तो अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, अब मुझे क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, मुझे क्या करना है इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए बेटा वी ए प्लस माइनस वी बी है, तो वी ए ये रहा वी बी ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है। तो वी ए एंड वी बी के बीच में थीटा माइनस वी बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वी बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि बेटा वी ओ बी और माइनस वी बी इस तरफ है, इन दोनों में कितना एंगल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री का। सो अगर मुझे दो वेक्टर्स का सम निकालना है, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, वेक्टर सम याद होगा आपको, ऐसे मैंने आपको सीधा भी बता रखा है, आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी बी कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है बेटा, कॉस 180 माइनस 1 होता है। तो जब यहां पे माइनस 1 पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, वी ए माइनस वी बी की होल स्क्वायर की। सो यहां से मैग्नीट्यूड क्या आ गया बेटा, वी ए माइनस वी बी मैग्नीट्यूड आ गया है, मतलब ये क्या आ गया है, वी ए बी आ गया है। अभी आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, मैंने आपको वहां पे ग्राफिकली समझा दी थी ये चीज, देखिए वी बी माइनस वी ए और वी ए माइनस वी बी, ये रहा ओके, वी ए माइनस वी बी, समझ आ गई ये चीज बेटा ओके। तो ग्राफिकली मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब आप याद रख लो दो वेक्टर्स को जब ऐड करना है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको यहां पे, ताकि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा काम ना करना हो, वेक्टर एडिशन। जब आप बेटा दो वेक्टर्स को ए एंड बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका मैग्नीट्यूड पता क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी के इक्वल ही होगा बेटा, आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हो, इसका वेक्टर क्या क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू भी बन जाएगा कॉस 180 के कारण, माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर, इनमें एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का बेटा ओके। सो इस वजह से ये शॉर्टकट सीधा याद रख सकते हो मैग्नीट्यूड के लिए ओके बेटा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन के लिए इनमें से देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, वो डायरेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बेटा ओके। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है बेटा वेक्टर एडिशन के लिए, जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। और ये शॉर्टकट यहां पे क्यों काम आता है, क्योंकि 1D में हमेशा यही काम होगा, 1D में क्या होगा बेटा, हमेशा यही पिक्चर बनेगी, 1D के लिए आप ये पिक्चर यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इस तरह से बेटा आप दो किसी भी बॉडीज का रियलिटी मोशन फाइंड आउट कर सकते हो ओके। तो बस रियलिटी मोशन में थ्योरी में तो यही है बेटा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक दिन आप में से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, यूनिट 3 का क्वेश्चन था, जेट वाला कोई क्वेश्चन था बेटा ओके। ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके लिए, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.5, ये पेज नंबर है बेटा 56 पे, आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, दे आर सीइंग द जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो एक जेट है बेटा आपके पास, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये जेट की स्पीड लिखी हुई, तो इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है दैट इज वीजे दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। और इसे आप प्लस साइन के साथ लिख सकते हो, सो दैट यू कैन इंडिकेट दैट ये प्लस आई डायरेक्शन में है, मैं डायरेक्शन ही साथ में लिख लेता हूं, ये आई डायरेक्शन है प्लस आई ओके। यहां पे आप प्लस आई के साथ इंडिकेट कर सकते हो, वेक्टर्स में चल रहा है आपने, तो यहां पे क्या कर देते हैं बेटा 500 आई कैप प्लस आई कैप लिख देते हो ओके। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है प्रोड्यूसेस इट्स कंबर्शन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर
रिलेटिव टू द जेट प्लेन। तो हमें क्या दे रखा बेटा, वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन, मतलब जो गैसेस कंबर्शन जो है बाहर निकल रही है वो उसकी वेलोसिटी दे रखी है बेटा, बट दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू जेट। जेट के नजरिए से कितना दे रखा है बेटा, 1500 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बेटा कंबर्शन, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जो कंबर्शन होता है जो पीछे को एग्जॉस्ट करती है बेटा, तो कंबर्शन की वेलोसिटी इस तरफ होगी आपकी। तो जेट वाले ऑब्जर्वर के लिए कंबर्शन जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, हमें ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। अब थर्ड लाइन में वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, मतलब दे आर आस्किंग द वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा बेटा। अब ये निकालना है बेटा, तो क्या करें, अभी मैं आपको बताया है बेटा कैसे करते हैं। इनके बीच में देखिए बेटा कंबर्शन जी सी जी निकालना है, तो तीसरा लेटर क्या डाल सकते हैं, जे, जेट। ऊपर वाले दोनों में देखो बेटा, इनको तीनों में कॉमन क्या है, जेट कॉमन है बेटा। सो क्या लिख सकते हैं, मेरा जो अभी फंडा था सी जे दैट विल बी इक्वल टू क्या, सी जी दैट विल बी इक्वल टू क्या बेटा, सी, पहले कंबर्शन को जेट के साथ स्टडी कर लो, फिर प्लस करके कंबर्शन जेट को ग्राउंड के साथ। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, कहां से लिखा है बेटा मैंने ये स्टेप, यहां से लिखा है, ये जो मैंने अभी डेरिवेशन ये लिख के दिखाया, मैंने बोला सीधा याद कर लो, एस का मतलब बीच में तीसरा, देख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहां पे क्या क्या है बेटा, कंबर्शन है, यहां पे क्या क्या है बेटा, गैसेस है, कंबर्शन है, ग्राउंड है एंड जेट है, ये तीन चीजें हैं बेटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे जेट एंड सॉरी मुझे ग्राउंड एंड कंबर्शन की स्टडी करनी है, तो इन दोनों के लिए कॉमन क्या है बेटा, जेट है, तो इसीलिए कंबर्शन सी, पहला लेटर था सी, पहले लेटर को जेट के साथ, फिर जेट को जी के साथ, ऐसे कंटिन्यूटी बननी चाहिए बेटा एक तरह से, जे जे आप ऐसा मान लो कैंसल आउट होकर सी जे रह गया आपके पास। ओके, अब वैल्यूज डालते हैं बेटा, सी जे, सी जे ये रहा बेटा, दिस इज माइनस 1500 आई कैप प्लस जे जी, ये है बेटा प्लस 500 आई कैप। तो बेटा यहां पे देखो आई वाले के साथ सीधा एड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और आप ऐसे ही बोल सकते हो एंगल यहां पे 180 और 0 डिग्री है, ऐसे वो वाला शॉर्टकट भी लगा सकते हो, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं सीधा वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं इसे। सो ये क्या हो जाएगा, सी जी वी सी जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा ना, तो माइनस 1500 500, तो ये आ जाएगा माइनस 1000 आई कैप किलोमीटर पर आवर। और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहां पे ये नेगेटिव साइन का मतलब है जो ग्राउंड के ऊपर इंसान खड़ा हुआ है उसे ये गैसेस जो है बेटा ये लेफ्ट की तरफ नेगेटिव आई की तरफ जाती नजर आएंगी बेटा, और कितनी वेलोसिटी से, 1000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। दिस इज योर आंसर बेटा। अब जिन बच्चों को आईजे के नहीं आता है वो बिना आईजे के भी कर सकते हैं इसे बेटा, ओके, बट उन्हें वही चीज है बेटा, अगर टुवर्ड राइट को पॉजिटिव मान रहे हो तो टुवर्ड लेफ्ट को आपको नेगेटिव मानना होगा बेटा, क्योंकि बेटा पॉजिटिव नेगेटिव से भी डायरेक्शन मैंने आई कैप लिख दिया यहां पे। 1D में बेटा मैंने आपको बोला ही है 1D में बिना आईजे के भी कर सकते हो, बट अगर आप सीख लोगे बहुत अच्छी बात है, आई नहीं भी लिखोगे सारे स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1D ही है बेटा, 1D का मतलब एक ही डायरेक्शन है यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया जिसने पूछा था, और बाकी बच्चों को। यस सर। तो बेटा आज के होमवर्क के लिए ना आप एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन करना है, आपका ये होमवर्क है आज का एनसीईआरटी का, ये रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है। दोनों पेज नंबर 56 पे है, दोनों रियलिटी मोशन के क्वेश्चंस है बेटा। तो अब आपको समझ आ गया ना कि जब आपके पास बॉडीज की वेलोसिटी एक फ्रेम ऑफ के विद रिस्पेक्ट दे रखी है, जे की जी के साथ दे रखी थी, सी के जे के साथ दे रखी थी बेटा, यहां पे जेट के विद रिस्पेक्ट क्वेश्चन में मेंशन था कि वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन इज 1500 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू जेट, और ये मेरा दिमाग है ब्रेन है कि यार जेट कंबर्शन पीछे को ही फेंकेगा, इसीलिए मेरे को पता है कि ये लेफ्ट गया। अब आप बोल सकते हो सर जेट तो आगे को कभी नहीं फेंकेगा बेटा, अगर जेट जिस तरफ जाता है
कंबर्शन गैसेस हमेशा उसके पीछे को आती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो इसे पॉजिटिव मानोगे, इसे नेगेटिव लिखना पड़ेगा बेटा। ओके, सो इन तीन फॉर्मूला से बेटा, ये जो यहां पे लिखी हुई है, इनसे आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला से आप लोग किसी भी बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब हमें उस बॉडी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी दे रखी है और तीसरे फ्रेम की उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ दे रखी है वेलोसिटी जो पहले जिसके साथ निकाल रहे हैं हम लोग, सेम एक्सेलरेशन में और सेम पोजिशन में कर सकते हैं आप लोग बेटा। तो आप क्या कर सकती हो, इन फॉर्मूला से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शिफ्ट कर सकते हो अपनी स्टडी को। ओके, अगर आपकी स्टडी एस में हो रही है तो आप यहां से एस डैश में जा सकते हो। एस डैश में कैसे जाओगे, पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए एंड एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा। ओके, तो याद कैसे रखना है बेटा, इनको याद रखने का तरीका ये है बेटा, ये चीज याद ऐसे रहती है बेटा। क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन में देखो कौन सी चीजें दे रखी है। क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, तीन चीजें होंगी, एक आपकी बॉडी होगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन होगा जिसे मैं एस बोल रहा हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू होगा जिसे मैं एस डैश बोल रहा हूं। तो बॉडी ए है, तो आप लोग अगर कुछ भी बताओ एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस निकालना है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए एस डैश प्लस एस डैश एस। ओके, ये दोनों गिवन थे, आपने ये निकाल लिया। आपको अगर ये निकालने के लिए दे दे बेटा, ए एस डैश निकालने के लिए दे दे, तो क्या करोगे, अभी देखो बेटा ए और एस डैश हो गया, रह कौन सा गया एस, तो क्या करोगे, ए को एस के साथ स्टडी करोगे, एस को एस डैश के साथ स्टडी कर लोगे। समझ आ गई ये बात बेटा। ओके, ये दोनों दिए हुए हैं, ये फाइंड आउट करना तो ऐसे कर सकते हो, ये दोनों दिए हुए हैं, ये फाइंड आउट करना ऐसे कर सकते हो। वहां पे आप दो मिनट में ये क्वेश्चन बना सकते हो। क्या करना है बेटा, दो चीजें जो दे रखी है बेटा, इनमें देखो दोनों में दो चीजें जो दे रखी है कॉमन क्या है, एस डैश। ओके, तो उसको एलिमिनेट करना है एक तरह से हमने, क्योंकि तभी एस के साथ कंपेयर होगा। तो इस तरह से लिख लिया करो, पहले लेटर को कॉमन के साथ लिख लो, फिर प्लस कॉमन वाले को दूसरे लेटर के साथ लिख लो बेटा। तो ये लाइन लिखना सीख लो, सब कुछ आ जाएगा आपको बेटा। ओके, सो बेटा दिस इज ऑल इन योर रियलिटी मोशन। रियलिटी मोशन में जो मैंने क्वेश्चंस दिए आप ट्राई करना। ओके, मैं इनको कल आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में।